हैप्पी होली दोस्तों। तो आज है होलिका दहन, और होलिका दहन के पीछे जो स्टोरी है वो इस तरह से है कि हिरण्यकश्यप एक राक्षस थे और उनके बेटे थे प्रहलाद। और जो प्रहलाद थे वो भगवान विष्णु के डिवोटी थे, और हिरण्यकश्यप को ये बात पसंद नहीं थी कि उनके बेटे भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, तो इसलिए वो उन्हें मारने के लिए अलग अलग तरह की स्ट्रेटेजीज अपनाते थे। तो उनमें से एक इस तरह से थी कि उनकी सिस्टर थी होलिका, जिन्हें ब्रह्मा जी से वरदान में एक चादर मिली थी जिसे ओढ़ कर वो आग में जा सकती थी। उन्होंने एक प्लान बनाया कि होलिका जो है प्रहलाद को लेकर अपने गोद में लेकर आग में बैठ जाएंगे और होलिका को तो कुछ होगा नहीं, और प्रहलाद जो है वो इस तरह से उन्हें पनिश किया जाएगा। तो लेकिन हुआ क्या, प्रहलाद जो थे भगवान विष्णु के डिवोटी थे, तो उन्होंने भगवान विष्णु की कृपा से जो चादर होलिका ने ओढ़ रखी थी वो उड़कर प्रहलाद जी पर आ गई थी और वो बच गए थे, और जो होलिका थी वो जल गई थी। जैसे ये सिग्निफाई से ये करता है कि विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल, यानी बुराई पर अच्छाई की जीत। तो इसमें आप क्या करें, जो मैं करती हूँ मैं आपको बताती हूँ, और ये काफ़ी मतलब अगर आप मन से करेंगे तो ये चीज़ें होती हैं, अगर आप मन से ही नहीं मानते तो कोई चीज़ नहीं होती है, मन की ही बात होती है सारी। तो आप क्या करें कि जो भी आप में आपको लगता है कि आपके नेगेटिव पॉइंट्स हैं, जैसे कि मान लीजिए आप में कॉन्फिडेंस कम है, या फिर कुछ जैसे आप अगर स्टूडेंट हैं, मान लीजिए आप किसी सब्जेक्ट में वीक हैं, तो वो भी एक नेगेटिव पॉइंट, मतलब नेगेटिव पॉइंट तो नहीं खैर कहेंगे उसे, लेकिन फिर भी आप उसे अगर मानते हैं तो कि हाँ भाई मैं इसमें अच्छा हो जाऊँगी या कुछ भी इस तरह से, उन चीज़ों को आप क्या कीजिए, एक पेपर पर लिख लीजिए कि हाँ जैसे मान लीजिए आपने लिखा मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस कम है या मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, इस तरह से उसे लिख लीजिए और उसे होलिका दहन में जला दीजिए। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप मन में ही वो चीज़ सोच लीजिए कि हाँ मेरे अंदर ये कमी है और आज मैं इस चीज़ को ख़त्म करता हूँ या करती हूँ। तो आप देखिएगा उसके बाद से ही आप, मतलब अगर आप मन से कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो चीज़ें काम करेंगी, और आपको उस पर काम भी करना शुरू कीजिए तो वो चीज़ें धीरे धीरे हो जाएंगी। ये जो धार्मिक चीज़ें होती हैं ना, इन्हें अपनी लाइफ से रिलेट करने की कोशिश कीजिए, और इनके जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है ना उन्हें लेने की कोशिश कीजिए। तो ये काम करती हैं, ये चीज़ें काम करती हैं, अगर आप मानते हैं तो काम करती हैं, अगर आप नहीं मानते तो काम नहीं करती। अच्छा, होलिका दहन से अगले दिन हम रंगों से होली खेलते हैं। क्या आपको पता है हम रंगों से होली क्यों खेलते हैं और ये क्या सिग्निफाइज करता है? इसके पीछे भी वैसे तो दो स्टोरीज मानी जाती हैं इसके पीछे। एक तो ये कि जो कान्हा जी थे वो अपनी माता जी से शिकायत करते थे हमेशा कि राधा इतनी गोरी हैं और मैं इतना काला क्यों हूँ। तो उनकी माता जी ने उन्हें कहा था कि तुम जाओ और राधा को भी जिस रंग में चाहो उसमें रंग दो, ताकि तुम्हारे में कोई डिफरेंस ना रहे। एक तो ये स्टोरी है, ये होली से रिलेट करती है। एक दूसरी स्टोरी है वो पूतना की है, कि पूतना ने जब भगवान कृष्ण को अपना जहरीला दूध पिलाया था तो उसके बाद भगवान कृष्ण का जो रंग है वो नीला पड़ गया था। तो तब उन्हें इस बात से लग रहा था कि पता नहीं राधा इतनी गोरी हैं, वो पता नहीं उन्हें एक्सेप्ट करेंगे इस तरह से या नहीं, और जो और गोपियाँ हैं वो कृष्ण को इस रूप में देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, देखना चाहेंगे। तो उन्होंने क्या किया था, वो अलग अलग रंग लेकर गए थे अपने साथ राधा जी को और गोपियों को रंगने के लिए। तो इस तरह से ये होली इस चीज़ को सिग्निफाई करते हैं। और इसका जो मतलब है वो ये है कि किसी भी इंसान में कोई भेदभाव नहीं है, सब एक जैसे हैं, कोई काला है, गोरा है, छोटा है, बड़ा है, किसी भी तरह से सब एक जैसे हैं, जैसे ये सारे रंग हैं। जब हम एक दूसरे को लगाते हैं, एक के ऊपर एक रंग चढ़ जाते हैं, तो सब मिक्स हो जाते हैं, सब एक जैसे हैं, कोई अलग नहीं है किसी से। तो विश यू अ वेरी हैप्पी होली, बाय।